आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संयुक्त रसोई में। आज हम बनाने चल रहे हैं स्पाइसी एंड टेस्टी पोटैटो स्टफ इडली। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक कटोरी सूजी ले ली है, हम उसको इसमें बाउल में डाल दे रहे हैं। और हमने एक कटोरी दही ले लिया है और एक चुटकी छोटी चम्मच से भी आधा बेकिंग सोडा ले लिया है हमने। एक छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इन सबको हम मिक्स कर देते हैं। हम पहले इसी में बनाएंगे दही में ही, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। एक छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देते हैं जिससे हमारा बेकिंग सोडा एक्टिव हो जाए। स्टफिंग तैयार करने के लिए हम एक टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। हम इसमें एक छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं। हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया है बढ़िया। हम इसमें तीन आलू को मैश करके डाल दे रहे हैं। हम हरी धनिया की चटनी और हरी मिर्ची डाल देते हैं। एक टीस्पून नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। इनको हम सबको मिक्स कर देते हैं। इनको 3 से 4 मिनट तक ऐसे मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं हल्का हल्का, जिससे आलू में सब मिक्स हो जाए। और इसको दबा दबा के एकदम मैश कर देंगे आलू को भी। देखिए हमारा आलू हो गया है, इसको एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसको गैस ऑफ कर देते हैं और नीचे उतार लेते हैं। जब तक हमारा स्टफ तैयार हो रहा था 30 मिनट हो गया, तो हमारा ये बैटर भी एकदम रेडी है। अब हम इडली बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम इस पर ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले बैटर डालेंगे। बैटर को हम आधा डालेंगे, पूरा नहीं भरेंगे। इसके बीचों बीच हम ये आलू का स्टफ डाल देंगे जो हमने अभी तैयार किया। इसके ऊपर हम फिर से यही बैटर फिर डाल देंगे और इसको अच्छे से कवर कर देते हैं। इसी तरह हम सारे इडलियों में बना लेते हैं, इसी तरह भर देते हैं, सब सेट कर देते हैं। देखिए ये हमने सारी इडली स्टफिंग सहित बन के एकदम रेडी करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए हमने स्टीमर को गैस पे रख दिया है 2 गिलास पानी डाल के। अब हम इसमें सारे ये इडलियाँ इसमें एडजस्ट कर देते हैं। गैस को मीडियम करके अब हम इसको 20 मिनट के लिए इसमें स्टीम होने देते हैं। 20 मिनट हो गया है, हम इसका ढक्कन निकाल के देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारी इडली कितनी बढ़िया हो गई। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इनको बाहर निकाल लेते हैं। हमने सारी इडली बाहर निकाल ली है, अब इनको ठंडा होने देते हैं तब सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी इडली बनके तैयार हो गई है। स्टफिंग इडली स्पाइसी बहुत ही टेस्टी है, चटपटी। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आप इसको किसी भी चटनी के साथ में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे नारियल की चटनी, ग्रीन चटनी या मैंने टमाटो सॉस के साथ में इसको सर्व किया है। अगर ये हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे हमारी आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।